तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है ब्रेन स्टेम। और इस ब्रेन स्टेम का आज अपन लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, वो इसका होता है मिड ब्रेन। अगर मैं आपको फिर से ये वाला डायग्राम दिखाऊं, तो अपन ने देखा था अपनी पुरानी ब्रेन स्टेम की वीडियो में कि अपनी ब्रेन स्टेम तीन स्ट्रक्चर से बनती है। सबसे नीचे इसका होता है मेड्यूला, देन मेड्यूला के बाद इसका आता है पोन्स वाला रीजन, उसका आता है फिर ये पोन्स वाला रीजन, देन अपना आता है ये मिड ब्रेन। और यार ये जो मिड ब्रेन है ना, उसकी एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे देखो मेरे ब्रेन वाले मॉडल में, ये अपना है ब्रेन स्टेम और ये अपना है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये जो मिड ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर और इस ब्रेन स्टेम के बीच में जंक्शन का काम करता है। तो जितने भी अपने ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं ना अपने स्पाइनल कॉर्ड में, तो मैंने आपको ये बताया था कि अपने स्पाइनल कॉर्ड में दो ट्रैक्स होते हैं, एक असेंडिंग ट्रैक्स जो कि टिश्यू से ब्रेन की तरफ जाते हैं, देन वो टिश्यू से अपने इस ब्रेन स्टेम में आते हैं, और इस ब्रेन स्टेम में मेनली वो इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाते हैं। तो वो जो ट्रैक्स रहते हैं ना, वो इस मिड ब्रेन को सबसे पहले ब्रेन स्टेम में आएंगे, देन इस ब्रेन स्टेम के अपर पार्ट में मिड ब्रेन से ही वो होते हुए इस पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आ जाते हैं। वहीं से जो डिसेंडिंग ट्रैक्स रहते हैं ना, जो अपने ब्रेन से टिश्यू तक जाते हैं, वो अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर से स्टार्ट होते हैं और इस मिड ब्रेन को क्रॉस करेंगे, देन फिर वो अपने इस ब्रेन स्टेम में आते हैं। तो इसलिए ये जो मिड ब्रेन की एनाटॉमी है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आपने मेरी ब्रेन स्टेम की पुरानी वीडियो नहीं देखी ना, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि सारे ब्रेन स्टेम अपन ने रिलेट करके पढ़े हैं, देन आपको होगा क्या, ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपने देख रखी है तो यार ये वाली वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और वीडियो की एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बनाना है, तो इसलिए वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो फिर से मैं आपको मेरा ब्रेन स्टेम का मॉडल दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए पूरा बनाया है। ये नीचे अपना ये पूरा है मेड्यूला, देन मेड्यूला के बाद अपना ये आ रहा है पोन्स वाला रीजन, देन सबसे ऊपर अपना आता ही है मिड ब्रेन। तो आज अपन इस पूरे मिड ब्रेन को देखते हैं। देन ये जो मिड ब्रेन जो है, एक्चुअली में इसकी दो लेयर्स होती हैं। ये अपना पूरा मिड ब्रेन है, देन इस मिड ब्रेन को अपन को दो सेक्शन में पढ़ना है। एक इसकी अपर लेयर मिड ब्रेन की, ये वाली, देन इस मिड ब्रेन की लोअर लेयर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इस मिड ब्रेन की लोअर लेयर की एनाटॉमी अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे देखो, अपन क्या करते हैं, इस मिड ब्रेन की लोअर लेयर को तीन पार्ट्स में अपन ने डिवाइड करा है। सबसे पहले इसका एक नीचे वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं क्रस सेरेब्री। देन इसके जो पीछे वाला पार्ट है ना, इस क्रस सेरेब्री के पीछे वाला पार्ट, इसको भी टोटल दो पार्ट्स में ने डिवाइड करा है। ये आपको ग्रे मैटर दिख रहा है ना, अगर इस ग्रे मैटर में मैं आपको इसे पेन लगाऊं, तो इनने क्या करा, इस ग्रे मैटर के ऊपर एक पार्ट बना दिया, देन इस ग्रे मैटर के एक नीचे पार्ट होता है। तो इस ग्रे मैटर के ऊपर वाले पार्ट का नाम होता है टेक्टम, और इसके नीचे वाले पार्ट का नाम होता है टेगमेंटम। तो इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें ये वाला डायग्राम और क्लियर दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अपना पूरा मिड ब्रेन की है लोअर लेयर, और इसको अपने मिड ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक अपना ये आगे वाला पार्ट, जिसके अंदर अपन को ये ट्रैक्स दिखते हैं, उसका नाम अपना होता है क्रस सेरेब्री। देन उसके बाद ये जो ग्रे मैटर है ना, उससे एक इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। फिर उस इमेजिनरी लाइन के ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ये अपना है टेक्टम, और अपना इस क्रस सेरेब्री से यहाँ तक वाला पार्ट, ये अपना पूरा पार्ट होता है टेगमेंटम। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, अपने मिड ब्रेन को तीन पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, ताकि इसकी एनाटॉमी अपन अच्छे से पढ़ सकें। उसके अलावा अब अगर आप यहाँ पे जो एक क्रस सेरेब्री है ना, उसमें आपको यहाँ पे एक पिगमेंटेड एरिया दिख रहा होगा, अपर वाले साइड में दिख रहा है। इस पिगमेंटेड एरिया को अपन बोलते हैं सस्टेंशिया नाइग्रा। यार जो सस्टेंशिया नाइग्रा रहता है ना, ये अपना मिड ब्रेन में रहता है पिगमेंटेड एरिया, और ये बेसिकली अपना जो बेसल गैंग्लिया होता है ना, उस बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। तो अब मैं आपको क्या, बेसल गैंग्लिया का थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ। वैसे तो जो बेसल गैंग्लिया है, ये अपने आप में एक पूरा सेपरेट टॉपिक होता है, बाद में अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये सब्टेंशिया नाइग्रा को समझाने के लिए
मैं थोड़ा सा इसको आपको बेसिक बताता हूँ, तो इधर आप मेरे फ़ोन में देखो कि जो बेसल गैंग्लिया है ना, ये एक्चुअली में अपने ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर हैं जो कि अपने सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ना उसके डीप में प्रेजेंट रहते हैं। तो यार उसमें और भी पार्ट्स आते हैं जैसे हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सारे बेसल गैंग्लिया के ही पार्ट हैं और इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं अपने सारे बेसल गैंग्लिया का। तो उन्हीं में से एक अपना होता है सस्टेंशिया नाइग्रा, और मेनली जो सस्टेंशिया नाइग्रा है ना, ये अपना मूवमेंट वगैरह करवाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेनली यार तुम कहोगे सर ये डार्क कलर का क्यों है ये सस्टेंशिया नाइग्रा, क्योंकि इस सस्टेंशिया नाइग्रा में अपना प्रेजेंट होता है मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन वही पिगमेंट है जो कि अपने स्किन वगैरह में रहता है। तो आप इसमें ये चीज़ याद रख लेना कि अपना एक बेसल गैंग्लिया का पार्ट है जो कि अपना इस मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अब अपन इस क्रस सेरिब्री को देखते हैं कि इस क्रस सेरिब्री में क्या है। तो यार इसके अंदर सिर्फ अपन को मिलते हैं अपने नर्व फाइबर के ट्रैक्स, और ये जो नर्व फाइबर के ट्रैक्स है ना, ये अपने एक्चुअली में डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं। यहाँ पर डिसेंडिंग का मतलब बताऊँ, ये अपने ब्रेन से निकलेंगे ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, देन नीचे तक ये डिसेंड करेंगे अपना पहले मिड ब्रेन में, देन फिर वो अपना जाएंगे इस पोन्स वाले रीजन में। ये आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में अपने वही फाइबर हैं जो कि मिड ब्रेन से नीचे की तरफ आते हैं, अपने डिसेंडिंग फाइबर। देन अल्टीमेटली डिसेंडिंग फाइबर अपने चले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसको मैं और डिटेल में आपको यहाँ पे समझाऊँ, तो ये अपना पूरा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो इससे ये जो है कुछ नर्व के ट्रैक्स निकलते हैं और वो फिर इस ये स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए पहले मिड ब्रेन में, देन पोन्स में, फिर मेड्यूला में होते हुए वो अपने चले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये जो क्रस सेरिब्री है ना, यहाँ पे सिर्फ अपन को नर्व फाइबर के ट्रैक्स ही देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको और मैं आपको डिटेल में इस डायग्राम में दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो। तो इसे क्रस सेरिब्री में जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, मेनली अपन इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले इसका ये मीडियल वाला पार्ट, देन इसका ये मिडल पार्ट, फिर इसका ये लेटरल पार्ट। तो इसका ये जो लेटरल पार्ट है जो कि टोटल अपना 1/6 होता है अपने इस क्रस सेरिब्री का, उसके अंदर अपने तीन फाइबर रहते हैं, उसके अंदर अपने तीन नर्व फाइबर के ट्रैक रहते हैं। पहले इसमें होता है टेम्पोरो, फिर पेराइटो, देन ऑक्सीपिटो पोन्टाइन ट्रैक्स। अब यार तुम इनके नाम में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अगर मैं इसको क्लियरली आपको समझाऊं, यहाँ पे टेम्पोरो से मतलब है ये जो टेम्पोरल लोब है ना अपने ब्रेन का, तो ये जो ट्रैक्स हैं ये अपने टेम्पोरल लोब से स्टार्ट होंगे, देन ये पोन्टो को मैंने आपको अपने पोन्स वाली वीडियो में बताया था कि अपने इस पोन्स वाले एरिया में अपने यहाँ पे रहती हैं ये पोन्टाइन न्यूक्लियस। तो यार इसलिए मैंने आपको बोला था कि ब्रेन स्टेम को बेस्ट तरीका पढ़ने का होता है इसे आप नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ो, पहले मेड्यूला, देन पोन्स, फिर मिड ब्रेन, क्योंकि उससे क्या होगा फिर ये जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना, जैसे कि आज अपना आया ये पोन्टाइन न्यूक्लियस, तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, तो आपको चीज़ें क्या ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट और याद हो पाएंगी अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ते हो। तो मैंने आपको अपने पोन्स वाली वीडियो में बताया था कि वहाँ पे अपनी प्रेजेंट होती है ये पोन्टाइन न्यूक्लियाई, ये आपको दिख रही है ना। तो अपने मिड ब्रेन में ये जो ट्रैक्स है ना अपने, ये अपने टेम्पोरो पोन्टाइन ट्रैक्स। तो यहाँ पे टेम्पोरो डिनोट कर रहा है कि ये अपने टेम्पोरल लोब से अराइज होते हैं, देन पोन्टाइन का मतलब है कि ये जो पोन्टाइन न्यूक्लियाई है ना अपनी पोन्स रीजन में, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसमें एक रहता है टेम्पोरो पोन्टाइन नर्व फाइबर, देन फिर इसमें अपना एक है पेराइटो पोन्टाइन फाइबर, ये अपने मेनली इस पेराइटल लोब से अराइज होंगे और फिर अपने इस पोन्टाइन रीजन में जाएंगे। देन फिर इसमें एक होता है अपना ऑक्सीपिटो पोन्टाइन फाइबर, ये अपने ऑक्सीपिटल लूप से नर्व फाइबर अराइज होंगे और इस पोन्टाइन न्यूक्लियस में जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि अपना इस क्रस सेरिब्री के मीडियल पार्ट में तीन नर्व के फाइबर हैं, एक टेम्पोरो, फिर पेराइटल, फिर ऑक्सीपिटल पोन्टाइन नर्व फाइबर।
देन फिर अपन इसका ये मिडल वाला पार्ट देखते हैं। तो इसके मिडल वाले पार्ट में अपन को मिलते हैं कॉर्टिको स्पाइनल या फिर कॉर्टिको न्यूक्लियर नर्व ट्रैक। यार आपको अगर ये याद आ रहा हो, ये जो कॉर्टिको स्पाइनल नर्व ट्रैक है, इसी को अपन ने मेड्यूला में बोला था पिरामिडल नर्व ट्रैक, याद आया आपको। तो ये नर्व ट्रैक क्या है, अपना डिसेंडिंग नर्व ट्रैक है। यहाँ पे कॉर्टिको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मेनली अपना अराइज होते हैं। देन स्पाइनो का मतलब ये यहाँ से नीचे की तरफ डिसेंड करेंगे और अपने पूरे स्पाइनल कॉर्ड में आ जाते हैं। देन फिर अपन देखते हैं इसका एंड वाला पार्ट, वो है इसका मीडियल पार्ट। तो इसके मीडियल पार्ट में अपना प्रेजेंट होता है फ्रंटो पोंटाइन नर्व फाइबर। यहाँ पे फ्रंटो का मतलब आप समझ गए होंगे, ये नर्व फाइबर अब इस फ्रंटल लूप से अराइज होंगे और देन अल्टीमेटली अपने पोंस के इस पोंटाइन न्यूक्लियाई में जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। तो मेनली जो क्रस सेरिब्री है ना, उसके अंदर अपने डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। और यार इन सारे नर्व ट्रैक को याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसका मतलब समझ लो। अगर आप डायरेक्ट रटोगे ना फ्रंटो पोंटाइन तो आप भूल जाओगे इसको। आप ऐसे ही पढ़ो कि यहाँ पे फ्रंटो से मतलब है कि वो फ्रंटल लोब से निकलेगा, उसका ओरिजिन होगा। देन पोंटाइन का मतलब है कि वो पोंटाइन न्यूक्लियाई में जाके टर्मिनेट अपना हो जाता है। तो टोटल अपना एक क्रस्ट सेरिब्री में सिर्फ अपन के नर्व के ट्रैक्स ही मिलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना अपने मिड ब्रेन का, ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म से क्या मतलब है, यहाँ पे यूनिफॉर्म से मतलब है कि जैसा ये इसके लोअर लेयर में है ना ये क्रस्ट सेरिब्री वाला पार्ट, वैसा सिमिलरली ये इसके अपर लेयर में भी होगा। अगर मैं आपको इसकी अपर लेयर दिखाऊं तो आपको ये क्लियरली दिख पा रहा है। इसके लोअर लेयर में जैसे फाइबर है, सिमिलरली इसके अपर पार्ट में भी रहते हैं। तो ये जो क्रस्ट सेरिब्री वाला इंटीरियर पार्ट है ना, वो दोनों पोंस के लेयर में अपना होता है सिमिलर। देन अब अपन आ जाते हैं इसके इस स्टेगमेंटम वाले एरिया पे, पीछे वाले एरिया पे। तो यार इसके ग्रे मैटर में आप देखो, इसके ग्रे मैटर में सिर्फ अपन को तीन न्यूक्लियाई देखने को मिलती है, तीन राइट साइड में और तीन लेफ्ट साइड में। जैसा लोअर लेयर में है ना वैसा ही अपर लेयर में होता है, बस यहाँ पे दोनों के नाम जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो अपने मिड ब्रेन के ग्रे मैटर को बताने से पहले, अपन ने अपनी ब्रेन स्टेम की प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अपना ये जो ब्रेन स्टेम है ना, उससे अपने निकलती हैं करेनियल नर्व्स। तो टोटल अपनी 12 करेनियल नर्व में से 10 करेनियल नर्व अपनी इसी ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। देन अपन ने देखा था कि अपनी 3 और 4 करेनियल नर्व वो अपनी निकलेगी मिड ब्रेन से। देन 5 से लेकर 8 करेनियल नर्व वो निकलती थी इस पोंस वाले रीजन से, और अपने 9 से लेकर 12 करेनियल नर्व वो निकलती थी इस मेड्यूला वाले पार्ट से। तो इसके ये जो मिड ब्रेन से अपनी निकलती हैं 2 करेनियल नर्व्स। सबसे पहले अपनी 3rd करेनियल नर्व जो कि अपनी होती है ऑक्यूलो मोटार करेनियल नर्व्स, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं 3rd करेनियल नर्व। और वो करेनियल नर्व जो है वो अपने निकलेगी इस मिड ब्रेन के अपर लेयर से। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि अपना ये जो मिड ब्रेन की अपर लेयर होती है ना, उससे आपको निकलती हुई दिख रही है ना, ये अपनी है 3rd करेनियल नर्व, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्यूलो मोटार करेनियल नर्व। और अपनी जो 4th करेनियल नर्व होती है ना, जिसे अपन बोलते हैं ट्रोक्लियर करेनियल नर्व, वो अपना निकलती है इस मिड ब्रेन के लोअर वाले पार्ट से। ये आपको निकलती हुई दिख रही है ना। तो यार यहाँ पे आपके एक एक्सेप्शन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये पीजी वगैरह में बिल्कुल आपके एमसीक्यू में आता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको एक ब्रेन स्टेम का डायग्राम दिखाऊं, तो आप ये देख पा रहे हो ये अपन पूरा ब्रेन स्टेम अपना वेंट्रल सेक्शन से देख रहे हैं। तो आप देखो तो इस ब्रेन स्टेम से अपनी निकलती हैं करेनियल नर्व्स। तो अपनी टोटल 10 करेनियल नर्व जो है वो ब्रेन स्टेम से निकल रही हैं। देन 10 में से जो 9 करेनियल नर्व होती है ना, वो अपना निकलती हैं इस ब्रेन स्टेम के वेंट्रल वाले पार्ट से, मतलब ब्रेन स्टेम के आगे से। ये आपको निकलती हुई भी दिख रही होंगी।
बट अपनी एक करेनियल नर्व जो कि एक्चुअली में अपनी ये जो फोर्थ करेनियल नर्व है ना, ये ट्रोक्लियर नर्व, ये अपने इस ब्रेन स्टेम के पीछे से निकलती है, डॉर्सल से। ये आपको यहाँ पे निकलते हुए भी दिख रही होगी, ये अपने मिड ब्रेन का वेंट्रल पार्ट है और ये डॉर्सल पार्ट है। देन आप यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड करेनियल नर्व है ना, वो अपने इस ब्रेन स्टेम के वेंट्रल वाले पार्ट से निकल रही है आगे से, बट इसकी ये जो फोर्थ करेनियल नर्व है वो इसके पीछे से निकलती है, डॉर्सल से। तो आप याद कर लेना, सिर्फ अपनी फोर्थ करेनियल नर्व जो कि अपनी होती है ट्रोक्लियर करेनियल नर्व, सिर्फ ये अकेली ऐसी करेनियल नर्व है जो कि ब्रेन स्टेम के डॉर्सल वाले पार्ट से अराइज होती है। तो सबसे पहले अपना क्या होता है, अब इस ब्रेन स्टेम में इस करेनियल नर्व के लिए होगी एक न्यूक्लियाई, इसका जो ग्रे मैटर है ना उसमें एक प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं ट्रोक्लियर न्यूक्लियस। ये आप देख भी पा रहे हो ना, ये जो प्रेजेंट है इसको मैं क्या आपको इस डायग्राम में और अच्छे से दिखाता हूँ। देन अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये आगे की तरफ ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रही है ना, ये अपनी है ट्रोक्लियर नर्व की न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस से अपनी ये निकली फोर्थ करेनियल नर्व। देन इस न्यूक्लियस के जस्ट साइड में अपनी प्रेजेंट है फिफ्थ करेनियल नर्व की न्यूक्लियस, ये दिख रही है ना। लेकिन यार अब तुम यहाँ पे बोलोगे, सर आपने तो ये बताया कि ये जो फिफ्थ करेनियल नर्व है ये अपने इस पोन्स वाले रीजन से निकल रही है। तो यार मैं मेरी बात से कहाँ पे अभी पलटा हूँ, एक्चुअली में ये बात मैंने आपको मेड्यूला में भी बता दी थी कि ये जो फिफ्थ करेनियल नर्व है ना, ट्राइजमाइनल नर्व, इसकी जो न्यूक्लियस होती है ना उसका साइज बहुत बड़ा रहता है, तो वो थ्रो आउट आपको ब्रेन स्टेम में दिखती है। मैं आपको क्या फिर से उसका डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार मेरे फ़ोन में। देन अब आप यहाँ पे देखो, ये जो आपको एक न्यूक्लियस दिख रही है ना, ये अपनी है फिफ्थ करेनियल नर्व की न्यूक्लियस जो कि अपनी है ट्राइजमाइनल न्यूक्लियस। अब आप खुद देखो, ये ट्राइजमाइनल न्यूक्लियस का साइज जो है इतना बड़ा होता है कि अपने पूरे ब्रेन स्टेम में दिखती है। ये अपना मिड ब्रेन, उसमें भी ये न्यूक्लियस का पार्ट आ रहा है। देन पोन्स में तो इसका मेन पार्ट रहता है, प्रिंसिपल पार्ट, जहाँ से अपनी ये फिफ्थ करेनियल नर्व ट्राइजमाइनल नर्व निकलती है, और फिर इसका पार्ट एक मेड्यूला में भी दिखता है। तो अपन ने पूरी थ्रो आउट ब्रेन स्टेम में अपनी फिफ्थ करेनियल नर्व की न्यूक्लियस देखते हैं, तो यहाँ पे आपको वही फिफ्थ करेनियल नर्व की न्यूक्लियस दिख रही है। देन इसके एंड में आपको दोनों लेयर में यहाँ पे दो लार्ज न्यूक्लियस दिख रही होगी। इसकी लोअर लेयर में इसको अपन बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिक्यूलस, क्योंकि अपनी लोअर लेयर है ना, और इसकी अपर लेयर में इसी न्यूक्लियस को अपन बोलेंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलस। और अपने इन दोनों लेयर में इनका जो फंक्शन है ना यार, वो डिफरेंट होता है। मेनली आपको मैं इसका फंक्शन थोड़ा सा बताता हूँ। तो इसकी जो लोअर लेयर में ये जो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस है ना, इसका यहाँ पे फंक्शन अपना होता है ऑडिटरी सिग्नल को ट्रांसमिट करना। जैसे कि अपनी ये जो फोर्थ ये जो नर्व है जो कि अपनी ट्रोक्लियर नर्व है, तो ये अपने ऑडिटरी सिग्नल लाएगी अपनी ईयर से। देन ये सारे सिग्नल अपने चले जाएंगे इस जाएंगे इन्फीरियर कॉलिक्यूलस में। देन इस इन्फीरियर कॉलिक्यूलस से होते हुए वो अपने जाएंगे सेरेब्रम में। तो जो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस है वो मेनली अपने ऑडिटरी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। देन वहीं अगर मैं इसके अपर लेयर में आपको बताऊँ, ये अपना सुपीरियर कॉलिक्यूलस, और सुपीरियर कॉलिक्यूलस वो अपने आई बॉल की मूवमेंट करवाने में मदद करता है। तो यार इसको मैं समझाऊं, अगर आप यहाँ देख भी पा रहे हो ये वाला डायग्राम आप देखो, तो इसकी अपर लेयर से अपनी ये एक नर्व निकल रही है, वो है अपने ऑक्यूलो मोटार नर्व, और ये ऑक्यूलो मोटार नर्व मेनली अपने आई बॉल की मूवमेंट करवाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक लड़का है, उसका नाम अपने रख दिया पप्पू। अब क्या है, पप्पू भाई की जो आंखें हैं उनने देख ली एक लड़की, मान लो उनने इधर देखी कोने में, और पप्पू भाई कहना सीधे, तो उनके आई ने वो देखी और सारे वो नर्व के इम्पल्स अपने चले गए ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व अपनी आई की नर्व है। देन वो सारे ऑप्टिक नर्व ने सारे सिग्नल अपने दे दिए सुपीरियर कॉलिक्यूलस में।
देन सुपीरियर कॉलिकुलस मेनली यहाँ पे प्रोसेस करेगा कि वो लड़की कहाँ खड़ी है, राइट में लेफ्ट में, उसके हिसाब से वो अपने आई बॉल को मूवमेंट करवाने के लिए सिग्नल देगा। देन फिर वो सारे सिग्नल जो हैं वो अपने इसमें चले जाएंगे, वो अपनी है ऑक्यूलो मोटार नर्व, और अपने ऑक्यूलो मोटार नर्व जो है अपने आई बॉल का एडजस्टमेंट करवा लेगी उस हिसाब से कि अपने पप्पू भाई को टोटली क्लियर विजन मिल पाए। तो यार ये मैंने थोड़ा सा फनी वे में बोला है ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि ये जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस जो है वो मेनली अपने आई बॉल को मूवमेंट करवाने में मदद करता है। और इस चीज़ को अपन और डिटेल में अपने फिजियोलॉजी में और पढ़ेंगे। देन अब अपन ने क्या इसका पूरा ग्रे मैटर देख लिया, मेनली ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हैं, एक अपनी इन्फीरियर कॉलिक्यूलस, देन 5th करेनियल नर्व की न्यूक्लियस, और अपनी लोअर लेयर में यहाँ पे प्रेजेंट है अपनी ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस, और इसकी अपर लेयर में अपनी ये प्रेजेंट है ऑक्यूलो मोटार न्यूक्लियस। देन अब अपन देखते हैं इसका वाइट मैटर। तो यार इसका वाइट मैटर जो है अपन पहले लोअर लेयर का देखते हैं वाइट मैटर। तो तुम इसमें देखो इसके वाइट मैटर में पहले ये साइड वाले स्ट्रक्चर, तो इसके साइड में ये जो एक्चुअली में ये सारे ट्रैक्स हैं ना ये अपने हैं असेंडिंग ट्रैक्स जो कि नीचे से आते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसको मैं क्या तुम्हें डायग्राम से और क्लियरली दिखाता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे इसके वाइट मैटर में अपन यहाँ पे सबसे पहले लेटरली शुरू करते हैं, तो इसके लेटरल स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे 4 लैमिनिस्कस देखने को मिलेंगे। यार अगर आपको याद हो मेरी पोन्स वाली वीडियो तो मैंने वहाँ पे भी आपको ये चारों लेमिनिस्कस दिखाए थे क्योंकि वो वहीं पे फॉर्म होते हैं। कि लेमिनिस्कस के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि लेमिनिस्कस का मतलब होता है कि अपने सेंसरी नर्व के फाइबर हैं, तो मेनली अपने टिश्यू से अपने ऊपर की तरफ असेंड करते हैं, ब्रेन में जाते हैं। तो यार इसलिए अपन ने क्या पोन्स वाली वीडियो देख ली ना, तो ये वाला अपन को लेमिनिस्कस अब दोबारा यानी देखने पड़ेंगे। ये अपने पोन्स से ही नीचे की तरफ, तो ये अपने पोन्स से ही ऊपर की तरफ असेंड करते हैं। तो ये है अपना यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस, देन ये है अपना ट्राइजमाइनल लेमिनिस्कस, और ये है अपना स्पाइनल लेमिनिस्कस, और ये है अपना लेटरल लेमिनिस्कस। अगर मैं फिर से आपको ये पोन्स वाला डायग्राम दिखाऊँ अपना 3D मॉडल, तो यहाँ पे भी अपन ने ये चारों के चारों ये वही लेमिनिस्कस है, ये मीडियल लैमिनिस्कस, देन ये ट्राइजमाइनल लैमिनिस्कस, फिर ये स्पाइनल लैमिनिस्कस, और ये अपना लेटरल लैमिनिस्कस। देन ये लैमिनिस्कस अपने ऊपर की तरफ ऐसे असेंड करेंगे और अपना फिर इस आ जाएंगे इस मिड ब्रेन में। तो ये सारे अपने वही लैमिनिस्कस हैं। अल्टीमेटली ये सारे लैमिनिस्कस अपने ऊपर की तरफ असेंड करते हुए ये अपने मिड ब्रेन के थ्रू अपने पूरे इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आ जाएंगे जहाँ पे अपना मेनली सारी सेंसरी प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहले अपन को इसकी दोनों लेयर्स में ये लेमिनिस्कस देखने को मिलेंगे। देन इस लेमिनिस्कस के अलावा यहाँ पे अब आपको ये 3 ट्रैक देखने को मिलेंगे। तो ये आपको तीनों नर्व के ट्रैक के डायरेक्ट नाम याद करना है, मैं इसको आपको डायग्राम में और डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो बिल्कुल लाइन से आप याद करना, सबसे ऊपर वाला अपना होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल्स, ये सारे अपन ने पोन्स में भी देखे थे। देन इसके बीच वाले का नाम है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक, देन अल्टीमेटली इसका एक लास्ट ट्रैक है वो है अपना रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। देन यहाँ पे इस तरीके से इसके वाइट मैटर में ये 3 आपको नर्व के ट्रैक देखने के लिए मिलेंगे। देन फिर अब अपन इसके देखते हैं अपर लेयर में। तो यार इसके अपर लेयर में सिर्फ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये जैसा अपन ने इधर लेटरल लैमिनिस्कस देखे थे ना वैसे यहाँ पे सेम टू सेम लेटरल लैमिनिस्कस हैं। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि अपन ने लोअर लेयर में भी मीडियल लैमिनिस्कस देखा था, यहाँ पे भी मीडियल लैमिनिस्कस है। इधर अपन ने ये ट्राइजमाइनल लैमिनिस्कस देखा था, इधर भी ये ट्राइजमाइनल लैमिनिस्कस है। देन ये स्पाइनल लैमिनिस्कस भी दोनों लेयर में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एंड वाला, यहाँ पे जो अपन ने लेटरल लैमिनिस्कस देखा था ना 4th वाला, वो अपन को इस अपर लेयर में नहीं मिलता क्योंकि वही लेटरल लैमिनिस्कस यहाँ पे आपका एक छोटा सा ग्रे मैटर बना लेता है
उसको अपन बोलते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। उसको मैं दिखाने के लिए आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ, ये आप देखो, ये दिख रहा है, इसे ही अपन बोलते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। उस प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के अलावा इसके अपर लेयर में, यहाँ पे अपन ने इस तरीके से देखो आप, ये तीन ट्रैक्स देखे थे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से तीन ट्रैक्स प्रेजेंट नहीं है, उसमें सिर्फ एक ये अपर ट्रैक प्रेजेंट है, वो है अपना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। और इन दोनों के अलावा और इन दोनों के प्लेस में अपना यहाँ पे एक होता है रेड न्यूक्लियस। और यार पूरे स्पाइनल कॉर्ड में मैं आपको बताऊँ, मेरा ये फेवरेट स्ट्रक्चर है, ये जो रेड न्यूक्लियस है ना, ये तो ये अपना यहाँ पे रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ इंटरकनेक्टेड फाइबर दिख रहे होंगे, तो इन इंटरकनेक्टेड फाइबर्स को अपन बोलते हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल टेगमेंटल डिकेसेशंस। तो आप ये डायरेक्ट याद कर लेना। तो यार मैंने आपको अब ये दोनों लेयर्स बता दी अपने मिड ब्रेन की, इसकी ये अपर लेयर, इसकी ये लोअर लेयर और इसकी ये अपर लेयर। तो अब अपन देखते हैं इसको मेनली यार यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आप बना के आओगे, इसके याद करने की ट्रिक क्या है। तो यार इसकी याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊँ ना, सबसे पहले क्या होगा, वो आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ मिड ब्रेन एट लेवल ऑफ, या तो बोलेगा इन्फीरियर कॉलिकुलस या फिर वो बोलेगा अपना अपर कॉलिकुलस। अरे ऐसे नहीं बोलेगा कि मिड ब्रेन की लोअर लेयर बनाओ या अपर लेयर बनाओ, वो थोड़ा घुमा के बोलेगा। तो आपको पता होना चाहिए इन्फीरियर कॉलिकुलस अपनी लोअर लेयर में है, तो उसके बाद आपको यहाँ क्लिक होना चाहिए। जैसे ही मिड ब्रेन बोले ना, तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसके अपन मेनली देखते हैं दो पार्ट्स, एक इसका क्रस्ट सेरेब्री आगे वाला पार्ट, देन इसका एक पीछे वाला टैगमेंटम वाला पार्ट। तो यार इसका जो क्रस्ट सेरेब्री था वो दोनों में अपना था यूनिफॉर्म, तो उसमें मेनली अपन क्या देखते हैं, तो उसमें मेनली अपन ये फाइबर देख रहे थे। तो अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम जूम करके बताऊं, तो मेनली अपन इसके अपर वाले पार्ट में देखते हैं पहले तीन फाइबर, एक पेराइटल, फिर टेम्पोरल, फिर ऑक्सीपिटल पॉन्टाइन फाइबर्स। इसको याद करने की तुम क्या अब यहाँ पे जिंगल लिख लो, कभी मिड ब्रेन आए ना तो इस तरीके से तुम लिखना, पहले क्रस्ट सेरेब्री, अपनी जिंगल को साइड में लिख लेना फिर बनाना। देन इस क्रस्ट सेरेब्री में अपने आते हैं तीन नर्व के ट्रैक, तो उसको याद करने की जिंगल है अपना पी ओ टी पॉट, जो पॉट वगैरह होता है ना जिसमें अपन फूल वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पॉट के पी से मतलब है पेराइटल, ओ से हो जाएगा ऑक्सीपिटो और टी से अपना हो जाएगा टेम्पोरो, मतलब कि पेराइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरो पॉन्टाइन नर्व फाइबर। तो अपन ने ये वाला सेक्शन देख लिया इसका, देन इस सेक्शन के बाद अपना आता है मिडल वाला पार्ट, देन मिडल में थे अपने कॉर्टिको स्पाइनल नर्व ट्रैक, तो आप बोलना पॉट को से हो जाएगा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, अपन को रखना है फ्रंट में, तो यहाँ पे फ्रंट से हो जाएगा फ्रंटो पॉन्टाइन नर्व फाइबर। तो ये जिंगल है ना, कॉट को फ्रंट में रखना है, तो इससे आपको इसके सारे नर्व के ट्रैक अच्छे से याद रहेंगे, पॉट से पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल नर्व ट्रैक जो कि इसके मीडियल पार्ट में आ रहे हैं, देन इसके को से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो कि इसके बीच वाले पार्ट में आ रहे हैं, देन फ्रंट से इसके फ्रंटो पॉन्टाइन नर्व ट्रैक। उसके बाद आप इसके टैगमेंटम वाले एरिया को याद करने के लिए अपन पहले देखते हैं लोअर टैगमेंटम, तो उसका पहले अपन देखते हैं ग्रे मैटर फिर वाइट मैटर। तो इसके ग्रे मैटर में आप डायरेक्ट बोलना कि इसके ग्रे मैटर में अपना लोअर वाले में क्या आ रहा है, एक अपना आ रहा है इन्फीरियर कॉलिकुलस, उसको तुम कर लेना आईसी, तो एक है इसमें इन्फीरियर कॉलिकुलस आईसी, उसके अलावा इसमें है अपनी दो नर्व की न्यूक्लियस, वो है अपनी फिफ्थ की और फोर्थ करेनियल नर्व की न्यूक्लियस। तो इस तरीके से आपको अपने टेगमेंटम का ग्रे मैटर याद करना है आईसी 5-4 से। देन इसके वाइट मैटर में तो यार वही सारे लैमिनिस्कस आ रहे हैं, तो उसको अपन ने याद भी ऐसे करा था ना एम टी एस एल,
यहाँ एम से था मीडियल लैमिनिस्कस, टी से था ट्राइजमाइनल लैमिनिस्कस, एस से था स्पाइनल लैमिनिस्कस और इसके एल से था लेटरल लैमिनिस्कस। ये बिल्कुल सिमिलर जिंगल है जो अपन ने पोंस में यूज करी थी। देन MTSL के बाद ये सारे अपन ने देख लिए ना, देन अब बचता है इसके बीच वाले फाइबर को याद करने की ट्रिक। तो उसके लिए बिल्कुल क्या तुम्हें सीक्वेंस से सारे याद करने पड़ेंगे। तो आप बोलना यहाँ पे मी, पहले आएगा मी, देन इसको कर देना टैग, मी टैग रूब्रो, ठीक है। इसकी जिंगल है मी टैग रूब्रो। मैं इस जिंगल को समझाऊं तो यहाँ मी आपके रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल को, देन टैग रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक को, और ये रूब्रो से मतलब है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। तो मी टैग रूब्रो से आपको ये तीनों के तीनों याद हो जाएंगे। मतलब कोई अपन को क्या टैग कर रहा है, अपने इंस्टाग्राम पे टैग कर देना फोटो, तो अपन बोल रहे हैं मी टैग रूब्रो कि मुझे रूब्रो वाली फोटो में टैग करना। तो इस तरीके से तुम थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो। देन अब अपन देखते हैं इसके अपर वाली लेयर के टैगमेंटम वाले एरिया को। तो इसके ग्रे मैटर में अपना आ रहा है सुपीरियर कॉलिकुलस। तो पहले आप इसके ग्रे मैटर में जिंगल बना लेते हैं SC, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पे S है सुपीरियर, C है कॉलिकुलस, तो इस पर अपन जिंगल बनाई SC। देन SC के बाद इसमें अपनी दो करेनियल नर्व की न्यूक्लियस है, एक तो वही फिफ्थ की और फिर एक थर्ड की। तो यहाँ पे जिंगल है SC53 और यहाँ पे थी IC54। तो दोनों के ग्रे मैटर की हो गई जिंगल। देन इसके वाइट मैटर में बिल्कुल सेम जैसा अपन ने अपर वाइट मैटर देखा ना, वैसा ही लोअर है। बस फर्क इतना है यहाँ पे MTSL, यहाँ पे क्या एल नहीं आएगा, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लेटरल लैमिनिस्कस नहीं होता। तो आप ये MTS ही रहने देना। देन यहाँ पे भी अपन को दो माइनर चेंज देखने को मिल रहे हैं, एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल मंडल और एक रेड न्यूक्लियस। तो इसकी जिंगल आप बना लो मी रेड, आप बोलो मैं जो हूँ लाल कलर का हूँ, तो आप बोलो मी रेड कि आपने जो है रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, ऐसा मान लो। तो यार इस तरीके से अगर आप ट्रिक बना के इसको याद करोगे ना तो ही लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, वरना तुम एक दिन या दो दिन में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे या भूल जाओगे। क्योंकि टोटल इसकी यार 7 लेयर्स हैं और इन सारी लेयर्स को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो अपन ने यार ये पूरा ब्रेन स्टैम देख लिया। और इसके बाद अब क्या, मैं आपके लिए एक रिवीजन वीडियो भी बना दूंगा। उस रिवीजन वीडियो में मैं आपको सारे लेयर्स को एक बार और रिवाइज करवा दूंगा कि यूनिवर्सिटी में कैसे बनाना है और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि क्या आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए। क्योंकि सारी लेयर्स अपन ने पढ़ी हैं तो अब क्या थोड़ी वो मिक्स होने लगती हैं, लेकिन अपन इनको एक साथ और देख लेंगे ना तो सारे कंसेप्ट आपके फिर से क्लियर हो जाएंगे। और यार अगर आपकी वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इस पूरे ब्रेन स्टेम को बनाने में लिटरली, और वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और यार रिविजन वाली वीडियो की लिंक आई बटन में है, वो वीडियो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इन सारी लेयर्स को एक साथ बैठ के रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपको कन्फ्यूजिंग हो, वरना ये सारी लेयर मिक्स होने लगेगी, वरना ये सारी लेयर जो है मिक्स होने लगेंगी। इसलिए आप उसकी रिवीजन वीडियो देखने के लिए आई बटन पे लिखें, आप वो देख सकते हो।